सोचा साहेब पूरी खा रहे, साहेब पूरी खा रहे, हम लाओ पर्यटन में काम चलाएंगे, मारेंगे तुमको, आओ मेरी जान। गंदी आदतें सुधार। अरे चाचा जी खड़े हो जाओ। ए रूपति एक बात कहे कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले वो दिलवर तेरा इंतजार था, किया बेकरार था, आज भी है। ए रूप सिंह अब ले चलो, दिमाग पंचर हो रहा है, शर्म लगती है। शर्म लगा है। एक काम करो, तुम चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है, हम गाड़ी बैठी, हम लोग आपस में बात करेंगे। अबे आपस में बात करेंगे वहाँ की, कि जब से नए मालर बात आगे बढ़े, दो दो दो, कि जब से नए मालर बात आगे बढ़े, रोजी अकिया रे इंतजार में भाई की माना तोरा बिहारी लाल जी, ये बताओ है? मेरी बेटी माला माला स्कूल से आ गई है ना? हाँ, स्कूल से आ गई, बुला कर लाओ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। ये मेरी बेटी है क्या? ऐसा बोलना माला जी, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है मम्मी। अच्छी चल रही है? हाँ। पढ़ रही है बेवकूफ कहीं का। माला मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी है जी, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करे। आ हम दोनों आराम।
देखी इधर खड़ा है तेरा। ये नजर खोल कर देखी इधर खड़ा है तेरा और मार मार कर आज तुझे मैं भेजूंगा फिर दे तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल के अंदर आने की। अरे हरामजादी, बंदे को डाकू बागी सूर्या कहते हैं। मैं हूं डाकू बागी सूर्या और ये है हमारे साथी। और जिन सिपाहियों पर घमंड कर रही है ना तू, तेरे सिपाहियों को मेरे साथी घेर चुके हैं और कोई होशियारी किया तो वो तड़पता हुआ नीचे आ जाएगा। और रही तेरी बात, इससे तो हम खुद निपट लेंगे। अरे ये कौन है, कौन है बेटो? हम इनके मनई हैं। किसके? महारानी। अच्छा, इसके मनई हो तुम? हम अच्छी तरह से तुझे जानते हैं विक्रम। आप झाटू बागी सूर्या? क्या झाटू बागी सूर्या विक्रम? भगना नहीं, चल। अरे निर्मला, लड़की कौन है? ये मेरी बेटी माला है। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी माला है ये? हंस रहा हूँ इसलिए कि अम्मा एक नंबरी तो बिटिया भी दस नंबरी। क्या नहीं, ये मेरी बेटी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? सारा निर्मला, हमें भी पहचान लेना कि हम कौन हैं। कौन है तुम और चाहते क्या हो? हाँ बताएंगे। याद कर, आज से 20 साल पहले भूतकाल की बात, भूतकाल की, जो तूने किसी एक साधारण सीधे साधे इंसान को अपने कमरे में बुलाकर कुछ कहा था। मैंने? तूने? ऐसे तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा। हाँ, आते हैं। तो ठीक है, हम याद दिलाते हैं कि किसकी बात करता हूँ मैं। के आओ आओ मेरे राजा, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ। ये तूने कहा था, तूने, तेरी मुख से ये शब्द निकले थे। लेकिन आज हमारी जुबा तुझसे क्या कह रही है, वही बात कि आओ विक्रम, आओ। ये आओ मेरे रानी, आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ, आओ ये। आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ, आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। जरा हंस के झूला देखकर हमारा दिल आ गया रे। आई लव यू, तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना, और न नखरे दिखाना गले से लगा। Thank you.
हराम जादी पहचान मुझे कि हम है कौन, आज का डाकू बागी सूर्या लेकिन पहले का सेनापति निर्भय सिंह। मैं हूं सेनापति निर्भय सिंह जो तेरी मौत बनकर के आया हूं। भैया चुप, ये क्या हो गया भैया? भैया मत कहना, फिर रोम चौधरी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तो गंदा कर चुकी है। सैया बोल रहे सैया, चुप बे सर, अपना दुल्हा बोल दुल्हा। अरे तू कैसा भाई है, तुझे चुल्लू भर मारी डूब के मर जाना चाहिए। और तू कैसी बहन है रे, है जो अपने परिवार की नहीं हुई, है मेरी नहीं हुई, मुझसे गलती हो गई थी। गलती हो गई ना तो सजा भी तुझे मिलेगी। हाँ, क्योंकि इस धरती पर जो भी गलत काम किया है उसको सजा अवश्य मिली है, चाहे त्रेता में देखो और चाहे सतयुग में देखो और इस कलयुग में भी दिखाऊंगा। इनके भाई हो तो हम मामा हो, कहो झाटू मामा। इधर आ, इधर आ, तेरे नाम का कुत्ता पालू, इधर आ। ये तुम ही को बना, विपक्ष वाले को पकड़ पकड़ सारे इस बदमाश को, सारे झाटू मामा। आंखें दिखाता है, नोच लूंगा आंखों को। अच्छा फिर कुआ है वो हैं? ये हो इनके, इसके इसके हम कोई भी नहीं है, लेकिन मैं सेनापति निर्भय सिंह हूँ। हाँ सेनापति निर्भय सिंह हूँ। ये हरामजादी मुझसे प्यार कर रही थी कमरे में बुलाकर अकेले में। हाँ ये तो फिर प्यार करे नहीं है कि मतलब तुम्हारे खंभा बिजली नहीं आवे? अरे निर्भला, अगर हम चाहें तो तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, मेरी बेटी है। ये तेरी बेटी है ना विक्रम, इस घोड़ी को हम संभालते हैं। इस घोड़ी को मैं संभालता हूँ और इसकी बछेड़ी को तू संभालेगा। और तू हरामजादी बहुत मारी पीती थी ना मुझे, जबरदस्ती करेगी है, किसी के ईमान को डिगाना चाहती थी। अभी तक तेरी बारी थी, अब तेरी बेटी की बारी है। विक्रम तेरा नंबर आ गया है। रामचारी को मरने के लिए तैयार हो जा। अपना खून खून है और दूसरे का खून पानी, अपना गम गम है दूसरे की गम कहानी। मरने को तैयार हो जा साथियों, खून डालो हराम जातियों को। नंबर एक, नंबर दो और नंबर एक दो दो कहा तीन कहना नहीं रे, दो दो कहा तीन कहना नहीं, वो
पूरा पाएगा। भर नजर देख ले मेरी बंदूकी को, ना सिक्का भी लगेगा ठिकाना नहीं। फूल सिंह तुम हो? क्यों पहचान लो मुझे? पहचान लिया तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर और कोई आया होता तो मां भवानी की सौगंध मुझे अब तक वो खड़ा नहीं बल्कि पड़ा होता। सूर्या ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना। फूल सिंह देखो ये मेरा मामला है, मेरा मामला है, इसको मुझसे सुलझा लेने दो, इससे निपट लेने दो, और तुम यहां से जा सकते हो। नहीं जाऊंगा। जाओ फूल सिंह जाओ। नहीं जाऊंगा मैं, इस लड़की को और इस औरत को साथ लेकर जाऊंगा। हाँ चुप चुप हो जा। इसको औरत कहता है? इसको औरत कहता है? हाँ ये औरत नहीं है बल्कि औरत के नाम पे बन्नुमा दाग है। नहीं सूर्या, औरत के रूप में जहरीली नागिन है ये हरामजादी। अपने परिवार की नहीं हुई, अपने परिवार की, अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को मरवा दिया और मुझे भी बर्बाद कर दिया। ये औरत नागिन है, ये औरत नागिन है, इसको छोड़ेंगे हम? हाँ पूरिया है? मैं कहता हूँ उस औरत को मेरे हवाले कर दो। नहीं करूँगा। नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। नहीं रहते हुए आज नहीं आने दूंगा। फूल सिंह बहुत गलत कर रहे हो तुम। नहीं सूर्या, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। रिवॉल्वर दिखाता है मुझे और क्या, एहसान किया है मुझ पर, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ और तू हद से ज्यादा बोल रहा है। सूर्या तू किस एहसान की बात कर रहा है? जो जल्लाद के हाथों से तूने मुझे बचा लिया था और मैंने तुझे अपना धर्म का बेटा माना है, इसीलिए मजबूर हूँ। क्यों मेरे बीच में आ रहा है? नहीं सूर्या, मैं बहुत बड़ी भूल करती, मैंने तुझे जल्लाद के हाथों से बचाया, लेकिन मैं जानता कि तू ऐसा निकलेगा तो मैं उसी दिन तुझे जल्लाद के हाथों द्वारा मरवा दिया होगा। दुश्मनों को मिटाने के लिए और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये लड़की को बचाना चाहता है तो एक फैसला है सूर्या का। कौन सा फैसला है? रिवॉल्वर मत चलाना, हम कोई बंदूक को नहीं चलाएंगे, और अगर है माइक का लाल है मर्द तो सूर्या का सामना कर, बिना अपने बल की ताकत और बल के दम पर अगर मुझे पराजय कर दिया तो ये लड़की तेरे साथ जा सकती है, और अगर हम विजयी हो गए तो इस लड़की को मैं यही पे गोली मार दूंगा, इसकी माँ के पास इसे भी भेज दूंगा। सूर्या अपने आप को बहादुर गिनता है? अरे बहादुर नहीं, तू तो एक कायर है। ठीक है, मैं तेरी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। फेंक दे अपनी बंदूक, और मैं भी फेंकता हूँ अपनी रिवॉल्वर, और दिखा अपने बाजुओं की ताकत। जो कोई इस फैसले में जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। मंजूर है, आ हो जाए फैसला, हो जाए फैसला। Yeah.
रुक जा बच्ची, अरे रुक जा, तेरे हाथ में कमल का फूल बना है, इंग्लिश का यन और यश लिखा है, तू कोई पराया नहीं, अरे तू तो मेरा लखते जिगर है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा सेनापति निर्भय सिंह का बेटा है तू। ये भोल सिंह मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, तेरा बेटा नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा सूर्या मेरे बेटे को अपना बेटा बना रहा है, ये भोल सिंह मेरा, ये मेरा बेटा है। तो ठीक है, अगर तू जिद करता है तो फैसला तेरे मेरे बीच होगा। कैसा फैसला? बुला भोल को, और जिसकी ओर ये जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। वाह कुंदन सिंह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ठीक फैसला चुना है तुमने। ठीक है, तुम भी बुलाओगे भोल सिंह को और मैं भी बुलाऊंगा भोल सिंह को। हमें विश्वास से यकीन है कि जिसका खून होगा आज, खून खून ही की तरफ दौड़ेगा। बोला बेटे भोल, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा लकी जिगर है, आ हमारे सीने से लग जा, आ मेरे लाल। रोजा बेटे, इनकी बातों में मत आना, इसने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा पिता हूं, तेरे रगों में मेरा खून है, मेरी तरफ को आ मेरे बेटे, मेरी तरफ को। चंदन सिंह, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो समझ ले खून की नदी बहा दूंगा। एक बात पता चंदन सिंह, अगर ये लड़का तेरा बेटा है तो इसके सीने पर ये बंदूक क्यों लगा दिया? क्यों? तू जानना चाहता है सूर्या, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा है, और तेरे बेटे को ये डाकू कुंदन सिंह ने अपने कब्जे में क्यों किया है? क्यों किया है? बंदूक की नाल इसके सीने पर क्यों लगाया है? क्यों लगाया है? यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खुफिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है, लाओ वो नक्शा कहाँ है, वरना तेरे बेटे की लाश तेरे कदमों के सामने होगी। कुंदन सिंह, तो अब मेरे पास समझ में आ गई है, तुम यहाँ पर ये डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं आए, बल्कि आए हो निर्भय सिंह का नाम सुनकर, और तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा चाहिए। कुंदन सिंह, महाराज विक्रम सिंह ने हमें नक्शा दिया था, लेकिन 20 साल से मैं जेल में बंद था और वो नक्शा मुझसे गुम हो चुका है, मेरे पास नक्शा नहीं है। शौर्या, अगर वो नक्शा गुम हो गया है तो आज बाप बेटे भी गुम हो जाओगे, और बेटे की जिंदगी चाहता है तो बंदूक हमारे हवाले कर दे, वरना तेरे बेटे की लाश। मैं तुझे बंदूक दे रहा हूं, लेकिन भोल सिंह को कुछ मत करना। एक मजबूर बाप अपने बेटे के लिए तुझे अपनी ये बंदूक देगा। ले ले बंदूक ला। बिहरिया, क्या देख रहा बे? बाण हराम क्या देखो? अरे बाण ले। ऐसा फन्ना तो किसी ने लगाया नहीं।
अब बता वो नक्शा मेरे पास नहीं है नक्शा कुंदन सिंह, नहीं मैं तुझे नक्शा दे देता। हाँ कुंदन सिंह बिहारी, ये नक्शा ऐसे नहीं देगा, जरा उठा तो घोड़े वाला हंटा। क्यों रे नक्शा नहीं देगा? अपने बेटे से तुझे प्यार नहीं है, दर्द नहीं है? ये जो साला फौजी बन करके आया है, उतार इसे। कुंदन सिंह मत कर, कुंदन सिंह क्यों मेरे बेटे को मार रहा है? बेटे को हराम जादे 20 साल से ये कुंदन सिंह तेरी तलाश कर रहा है। नहीं कुंदन तुझे नक्शा चाहिए ना? हाँ मुझे नक्शा चाहिए। तो ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए महाराज की वो सौंप ही अमानत, वो खुफिये खजाने का नक्शा मैं तुझे अवश्य दूंगा। आज भी महाराज का दिया हुआ नक्शा हमारे पास सुरक्षित है। है मेरे पास नक्शा, मैं तुझे दूंगा नक्शा। कहाँ है वो नक्शा? मेरे पास है। अगर देर करने की कोशिश, रुक जा रुक जा रुक जा, ये देख मेरे हाथ में ये ताबीज बंधी है, ये ताबीज, ताबीज को खोल लो, इसके अंदर तुम्हें खुफिये खजाने का नक्शा मिल जाएगा। लो अच्छा लो पकड़ो ना, खोल नक्शे को और छोकरे को तो मैं कवर करता हूं। होशियारी करने की कोशिश नहीं करनी, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, बहुत होशियार है। ओहो सरदार जी, जल्दी कर दे, क्या लेकर चलता हो? ये लो, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, इसमें क्या है दौलत कहाँ गली है? अब तो सब कुछ पता चल जाएगा कि वो दौलत कहाँ गली हुई है। बिहारी आ निकल चलते हैं, इस नक्शे को लेकर जा रहा हूँ। अगर होशियारी करने की कोशिश किया